हूँ श्वेता झा। धर्म से जुड़ी बातें बताने के लिए लेकर हम आए हैं अपना खास प्रोग्राम धर्म। धर्म में हम आज बात करेंगे गणपति बप्पा की, जो कि पिछले कुछ दिनों से अपने भक्तों के घरों में विराजमान हैं और भक्तों के घरों में विराजमान रहते हुए उनके घरों की शुभता बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब उनके जाने का समय हो चला है, अब बप्पा को विदाई देने का समय आ गया है। आज हम आपको गणपति के वापस कैलाश जाने यानी कि गणपति विसर्जन करने के बारे में बताएंगे। हम एक बात आपको बता दें कि बप्पा विदाई के वक्त अपने भक्तों को वरदान भी देते हैं, तो चलिए हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। अगले बरस आने के लिए बाप्पा के अपने घर जाने का समय हो चला है। गणेश चतुर्थी में बाप्पा के पधारने की खुशी मनाने के बाद अब बाप्पा के विसर्जन का वक्त आ गया है और उनको विदा करने के लिए भी धूम मचाने की तैयारियां हैं। मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। ज्योतिषी कहते हैं कि विसर्जन की महिमा बहुत ज्यादा है। ज्योतिषी मानते हैं कि गणपति विसर्जन करने वाले को इस दिन अनंत गुना शुभ फल मिलता है। इस वजह से इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन की महिमा को बताने से पहले आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों है खास और विसर्जन की महिमा क्या है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक गणेश जी की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी को की जाती है। गणपति का विसर्जन चतुर्दशी को किया जाता है। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जा सकते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से गणेश जी कैलाश पर्वत लौट जाते हैं। गणेश जी की स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। विसर्जन के दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ विशेष उपाय करके इस दिन जीवन की मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। आती है तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। तो इस तरह से आपने जाना कि गणपति विसर्जन के दिन की महिमा क्यों होती है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को अपने घर बुलाने के बाद उनकी सेवा सत्कार के बाद उनकी विदाई पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि गणपति के विसर्जन में वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जान रहे, मेरे मन मंदिर में तुम भगवान। गणपति विसर्जन का तरीका, हर दिन सुबह से उपवास रखना जरूरी है। उपवास ना रख पाए तो फलाहार करें, घर में स्थापित प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और धूप जरूर अर्पित करें। उसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाएं। प्रतिमा छोटी हो तो गोद या सिर पर रखकर ले जाएं। प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश को समर्पित अक्षत घर में जरूर बिखेर दें। चमड़े के बेल्ट, घड़ी या पर्स पास में न रखें। नंगे पैर ही मूर्ति को ले जाएं और विसर्जन करें। प्लास्टिक की मूर्ति या चित्र ना स्थापित करें और ना ही विसर्जन करें। विसर्जन के लिए मिट्टी की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ हैं। विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर श्री गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करें। ये कुछ वो तरीके हैं जिनके बारे में ज्योतिषी बताते हैं कि इनका प्रयोग लाभदायक है। ज्योतिषी कहते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करते वक्त अगर इन प्रयोगों को किया जाए तो गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं और कैलाश पर जाते जाते गणपति अपने भक्तों को सुख शांति और वैभव का वरदान दे जाते हैं। गणपति विसर्जन के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं जिससे सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं गजानन। हम आपको वो प्रयोग आगे बताएंगे। गणपति
गणपति तो अब वापस अपने घर कैलाश जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते गणपति अपने भक्तों को गिफ्ट जरूर दे जाते हैं। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, सुख संपत्ति, धन या फिर आपकी कोई खास मनोकामना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणपति विसर्जन के दिन एक खास उपाय का प्रयोग गणपति को जल्दी प्रसन्न कर देता है, और गणपति प्रसन्न हुए तो वरदान मिलना तय है। हम आपको वो प्रयोग बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए अपना राशिफल। मेष, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 78। वृष, नौकरी में बदलाव होगा, शादी तय होने का योग है, सेहत में सुधार होगा, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 66। मिथुन, घर पर मेहमान आएंगे, काम का नया अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग है, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 89। कर्क, उपहार मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग है, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 73। सिंह, हड्डियों की परेशानी से बचें, पुराने विवाद दोबारा आ सकते हैं, धैर्य बनाए रखें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 57। कन्या, नौकरी में बदलाव होगा, शादी तय होने का योग है, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 71। तुला, गुस्सा ना करें, वाहन दुर्घटना से बचें, स्थान परिवर्तन का योग है, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 89। वृश्चिक, अचानक पैसे मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, मनोरंजक यात्रा पर जाने का योग है, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 49। धनु, कारोबार में परेशानी का योग है, यात्रा पर जाएंगे, शनिदेव की पूजा करें, शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 40। मकर, लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी, पैसों का लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 89। कुंभ, नौकरी में बदलाव ना करें, नया कारोबार शुरू ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 54।
लंबी यात्रा पर जाने का योग है। पैसे के नुकसान से बचें। शादी तय होने का योग है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 77। गणपति की प्रतिमा चतुर्थी के दिन स्थापित करने से ज्यादा शुभ फल मिलता है। अनंत चतुर्दशी के दिन, गणपति विसर्जन के दिन अपने घर वापस जा रहे गणपति अपने भक्तों को उनका मन चाहा वरदान देकर विदा लेते हैं। लेकिन अगर विसर्जन के दिन एक खास प्रयोग किया जाए तो गणपति सबसे पहले आपकी मनोकामना सुनते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको वो खास प्रयोग। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को। गणपति विसर्जन के दिन श्री गणेश जी को विदाई देते वक्त सच्चे मन से मांगी गई मुराद हर हाल में पूरी होती है। जाते जाते गणपति बाप्पा अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि विसर्जन के समय अगर कुछ प्रयोग किए जाएं तो गणपति बाप्पा अपने भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। विसर्जन के खास प्रयोग। एक भोजपत्र अथवा पीला कागज ले लें, अष्टगंध की स्याही या नई लाल स्याही की कलम भी ले लें। भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद स्वस्तिक के नीचे ओम गम गणपतये नमः लिखें। उसके बाद एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखें। लिखावट में काट पीट ना करें और कागज के पीछे कुछ ना लिखें। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें, फिर गणेश मंत्र लिखें, सबसे आखिर में स्वस्तिक बनाएं। कागज को मोड़कर रक्षा सूत्र से बांध लें, गणेश जी को समर्पित करें। इसको भी गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही विसर्जित करें। सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ये वो प्रयोग है जिसको करने से गणपति को एक तरह से आप लिखकर अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। मान्यता है कि गणपति जब इन पत्रों को पढ़ते हैं तो अपने भक्तों की परेशानियां समझकर उनसे अपने भक्तों को मुक्त करते हैं। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हम लौटेंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।